72 घंटे बाद प्रियांशु कुमार ठाकुर का शव हुआ बरामद। सुप्पी प्रखंड के ससौला गांव में मचा हड़कंप। किस जिला का मामला है? प्रियांशु ठाकुर कौन है? आखिर क्यों कर लिया नदी में डूबकर खुदकुशी? पूरी जानकारी जानने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे ऑल इंडिया लाइव न्यूज सीतामढ़ी के साथ। तो आइए आपको जानकारी अवगत कराते चले। यह विजुअल तस्वीर अभी आप देख रहे हैं सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड ससौला पंचायत की है, जहां पर मुखिया हेमंत कुमार स्वयं प्रियांशु ठाकुर के नदी में डूबने की सूचना को लेकर एसडीआरएफ टीम के साथ शव को बरामद करने में काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि प्रियांशु कुमार का शव मिला तो पर एसडीआरएफ की टीम नाकाम हो गया, क्योंकि 72 घंटे के बाद सुप्पी प्रखंड के अगता घाट से बहता हुआ पानी में छतलाता हुआ प्रियांशु कुमार का शव बरामद हुआ और प्रशासन द्वारा शव को रिसीव किया गया। पोस्टमार्टम के बाद प्रियांशु कुमार का दाह संस्कार कर दिया गया है। यह विजुअल तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियांशु कुमार ठाकुर का दाह संस्कार का है। जानकारी आपको अवगत कराते चले, यह मोटरसाइकिल ढेंग बागमती पुल के नीचे खड़ी मिला, जिसके शंका के आधार पर एसडीआरएफ का टीम 24 घंटे तक प्रियांशु कुमार ठाकुर का शव बरामद करने में नदी में तलाश करते रहे, पर 72 घंटे के बाद अगता घाट से छतलाता हुआ प्रियांशु कुमार का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद प्रियांशु कुमार ठाकुर का शव का दाह संस्कार कर दिया गया है। इस मामले पर जानकारी विष्णु देव के द्वारा प्राप्त हुई है कि अपने आर्थिक स्थिति से तंग आकर सुसाइड उन्होंने कर लिया।